हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर यूट्यूब चैनल और मैं शिव शंकर। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि आरओ का बैक वॉश कैसे किया जाता है, इसी पे यह पूरी वीडियो है। पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना। ये मल्टीपोर्ट वार है, हर आरओ में लगा रहता है, एक या दो लगा रहता है। तो हम इसको दिखा रहे हैं, ये सर्विस पे लगा होता है। अब इस मल्टीपोर्ट वार को आपको घुमाना है। घुमाने के लिए हैंडल को दबाना पड़ेगा, दबा के फिर आपको इसको घुमाना है। घुमाना इस तरह से बैक वॉश की तरफ आपको डाल देना है। ये ध्यान रहे कि इसको दबा के ही आपको इसको घुमाना है, वरना ये टूट जाता है, लीक भी करने लगता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना, जब भी इसको घुमाएं तो हाथ से प्रेस करके और उस तरफ से इसको करना है। ये देखिए यहाँ पे बैक वॉश की तरफ लगा दिया गया है। अब हम चलते हैं, इस रो वाटर पंप को चालू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रेस करते हैं और ये चालू हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि पानी देखो जो इसका बैक वॉश का निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको आपको 5 से 10 मिनट तक करना है। हर इसको आरओ को बैक वॉश बहुत ज़रूरी है। बैक वॉश नहीं होगा तो आरओ आपका फिल्टर ख़राब हो जाएगा। अब इसको 10 मिनट करने के बाद फिर आरओ को बंद करना है आपको, रो वाटर पंप को। रो वाटर को पंप कर चलने लगा है। अब हम चलते हैं, इस रो वाटर पंप को बंद करते हैं। यहाँ से स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे और ये बंद हो गया। बंद होने के बाद हमें सीधा सीधा इस मल्टीपोर्ट वाल को घुमाना है, रिंस की तरफ ले जाना है। रिंस की तरफ कर दिए हैं। अब फिर चलते हैं, रो वाटर पंप को चालू करते हैं। ये हमारा रो वाटर पंप है, प्रेस कर दिए हैं, अब ये चलने लगा। इसको भी हमें 5 से 7 मिनट तक चलाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो इसमें भी पानी निकलना शुरू हो गया है। तो इसको भी 5 से 10 मिनट तक ही चलाना है आपको, ज़्यादा नहीं चलाना है। अब फिर चलते हैं, इस पंप को बंद करते हैं। ये स्टार्ट बटन इसको नहीं दबाना है आपको, बस ये स्टार्ट बटन को दबाना है और वो हमारा वाटर पंप बंद हो गया है। अब फिर हम मल्टीपोर्ट वाल को सीधा फिल्टर की तरफ करके छोड़ देंगे। अब दूसरे मल्टीपोर्ट वाल पे हम आते हैं। यहाँ पे फिल्टर पे लगा हुआ है, इसको हैंडल को प्रेस करके और सीधा बैक वॉश की तरफ ले जाएंगे। बैक वॉश की तरफ हम कर दिए हैं, ये बैक वॉश है। अब फिर चलते हैं, हम पंप को चालू करते हैं, स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे और ये फिर बैक वॉश दूसरा फिल्टर करना शुरू हो जाएगा। तो अभी देखो इसमें भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये पानी निकलना, तो इसको भी आपको 5 से 10 मिनट तक इसको बैक वॉश करना है। लोग कहते हैं आधा घंटा, आधा घंटे की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं, आप 10 मिनट कर दोगे प्रतिदिन बैक वॉश तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं, फिर हम इस स्टार्ट बटन को नहीं दबाना है आपको, ये स्टार्ट होता है इससे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको प्रेस कर दो। दबाते ही फिर आपको मल्टीपोर्ट वाल को रिंस की तरफ ले जाके छोड़ देना है। फिर आपको रो वाटर पंप को दबाना है, इसको फिर हम प्रेस करेंगे, फिर ये हमारी पंप चालू हो जाएगी। चालू होने के बाद इसको भी आपको 10 मिनट तक रिंस पे ही करके करना है। देखो रिंस पे लगा हुआ है, इसमें भी पानी बाहर होने लगेगा। अब चलते हैं, फिर हम पंप को बंद कर देते हैं। ये स्टॉप बटन प्रेस करो, पंप बंद हो गया। फिर इसको हम फिल्टर की तरफ लगा देते हैं और ये मल्टीपोर्ट को प्रेस किया और फिल्टर की तरफ लगा दिया। इस प्रकार से ये भी फिल्टर की तरफ हो गया और दूसरा भी मल्टीपोर्ट फिल्टर की तरफ हो गया। अब हम आरओ को चलते हैं, आइस को प्लांट को चालू कर देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट रो वाटर पंप को चला दिए हैं। अब यहाँ पे हम रो वाटर पंप का प्रेशर का इंतज़ार करते हैं, कम से कम 3 kg जो हमारे यहाँ है, 3 kg हो जाने दो इसको। अभी देखो हाँ, अभी 3 kg हो गया लगभग। अब हम चलते हैं, हाई प्रेशर पंप को ऑन करते हैं। तो ये देखो हाई प्रेशर पंप लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट बटन को प्रेस करो, दबा दो। दबाने के बाद फिर अब आपको दिखाते हैं, देखो प्रेशर सब पे सही प्रेशर स्टार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे हम 15 kg तक ले रहे हैं और ये भी 14 kg तक। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।